हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अल्बेडो, जहां आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू फॉर्म के सारे डिटेल्स, जिस फॉर्म का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 27 फेब से, और ये लास्ट करने वाला है 26 मार्च तक। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने 12th क्वालिफाई कर लिया है, या फिर जो इस बार 12th का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। तो ध्यान दें बच्चे, जिनको भी फॉर्म फिल करना है वो अभी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली जा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपको करेक्शन का डेट है वो आपका है 28 to 29 मार्च, पर ध्यान देंगे कि फॉर्म को बहुत ही आराम से भरे, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब करेक्शन का मौका मिलता है तो आपको पूरा फॉर्म करेक्ट करने नहीं मिलता है, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स होते हैं जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड द लास्ट स्टेप इज पेमेंट। ठीक है, ये तीन स्टेप से आपको क्रॉस करना होगा। रजिस्ट्रेशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहली बार इसके थ्रू फॉर्म फिल कर रहे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं वो लोग डायरेक्टली जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको जिस डेट में आपको एस्टेरिस्क का साइन दिख रहा है, मतलब कि ये जो डेट है ये वैरी भी कर सकता है, तो इसके जो भी अगर कुछ भी अपडेट्स आते हैं वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। पर अभी के लिए जो इन्होंने एग्जाम का डेट रखा है दैट इज बिटवीन 15 May to 31 May, यानी जो बच्चे नीट का भी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी इसमें अपियर हो सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा रिजल्ट पे। तो रिजल्ट है हमारा 30 June 2024 में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इसके थ्रू से आप इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसके कुछ पैरामीटर्स पे। क्या है इसका एग्जामिनेशन क्राइटेरिया? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स पे एग्जाम होते हैं। तो टोटल जो आपके पास ऑप्शन है वो है 61 का, जिसमें से 33 जो है वो लैंग्वेज पेपर है, जो आपका लैंग्वेज आप उसमें से चेक कर सकते हो कि आप किस किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ठीक है, एक होता है मीडियम और एक होता है लैंग्वेज पेपर का एग्जाम देना। तो ध्यान रखेंगे बच्चे कि ये दोनों अलग अलग चीज है। आप लैंग्वेज, एक होता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मीडियम ऑफ टेस्ट आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 13 लैंग्वेज अवेलेबल है। ठीक है, इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज पेपर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27 लिखा है डोमेन स्पेसिफिक। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी दिए गए सब्जेक्ट्स है उसमें से आप अपना जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद हो उसका सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक जनरल टेस्ट भी देना होगा, जिसमें से पहला है आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में बता दूं कि इसमें पेन और पेपर और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड भी होता है। जो भी आपको रफ वर्क्स करने हैं, आप कुछ भी एक्स्ट्रा शीट लेके नहीं जाओगे, वहां आपको जो अवेलेबल होगा आपको उसी में करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला चीज तो ये कि आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हो, तो टोटल होता है आपका 6। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स के लिए अपियर हो सकते हो, जिसमें से आपका एक जो होना चाहिए वो लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, और रेस्ट आपका डोमेन स्पेसिफिक भी हो सकता है और साथ ही साथ जनरल टेस्ट। ठीक है, जनरल टेस्ट में आपसे क्या पूछ सकता है? तो आपसे पूछ सकता है आपका मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और जो इसकी मार्किंग स्कीम होती है या कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो मैं बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो यूजुअली 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10 आपके लिए ऑप्शनल होता है, और कुछ चीजों यानी कि जनरल टेस्ट के लिए आपका 60 क्वेश्चन अवेलेबल होगा, जिसमें से आपको सॉल्व करना है ओनली 50 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा टाइम पे। तो आपको हर पेपर के लिए यूजुअली 45 मिनट्स मिलेगा, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक पेपर है उनके लिए आपको मिलने वाला है 60 मिनट्स। और वो कौन से पेपर होंगे, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब जो भी सब्जेक्ट्स है कुछ वो एक्सेप्शनल है, उनके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेगा। और ये एग्जाम होने वाला है आपका 3 शिफ्ट में। इसके सारे डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं, ये बाद में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि फोटो और सिग्नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको किस तरह से फोटो आपको अपलोड करना है और क्या उसका डायमेंशन होना चाहिए। तो फोटो जो आपको अपलोड करना है वो करना है आपको या तो ब्लैक या तो फिर व्हाइट बैकग्राउंड में, जिसमें कि आपका 80% फेस जो हो वो विजिबल हो। इस चीज का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि कभी सेल्फी लेके आपने फोटो भेज दी, या कहीं से आप क्रॉप करके उसको डाल दे रहे हो, कहीं घूमने गए और
किसी भी तरीके से आपने डला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रोफेशनल फोटो शूट होना चाहिए जिसमें आपका क्या होगा, जो बैकग्राउंड होगा या तो ब्लैक हो सकता है या तो व्हाइट हो सकता है, और जो आपके फेस का परसेंटेज यानी फोटो का जो परसेंटेज है, तो फोटो में 80% आपका क्या होना चाहिए, तो आपका फेस होना चाहिए, 80% फेस आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कुछ भी मास्क वगैरह नहीं रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप जो फोटो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में ही रखें, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ का जो आपको अपलोड करना है या जो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, दोनों ही आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए, और इसका जो डायमेंशन होगा फोटो का वो होगा 10 to 200 KB, और ये क्लियर होना चाहिए बहुत ही फोटोग्राफ। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर आपका 4 to 30 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो जो लैंग्वेज पेपर आप सेलेक्ट करेंगे, उस लैंग्वेज पेपर में से आपको क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका फैक्चुअल हो सकता है, लिटरली, नैरेटिव, या फिर आपका वोकैबुलरी पे बेस्ड हो सकता है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे आपने फिजिक्स सेलेक्ट किया, केमेस्ट्री किया, मैथ्स किया, तो इन सब में आपको क्या करना है कि इसका जो सारा डिटेल्स है, कोई भी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस का डिटेल्स होगा, ये आपको इस वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। लास्ट हम लोग आते हैं हमारे जनरल टेस्ट के ऊपर, जिसमें हमारा क्या क्या था। तो हमारा था जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, और साथ ही साथ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी भी। आपको इसमें मैथ्स आपके यूजुअली 10th लेवल के होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, बट अगर आपको देना है ये एग्जाम, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रीजनिंग का प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड का अभी तक डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है कि कब आने वाला है, पर जब भी आने वाला होगा तो हम लोग आपको ये अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है किसी भी तरह के रिस्ट वॉच या लॉन्ग स्लीव के कपड़े, या फिर आपको क्लोज फुटवेयर जैसे कि शूज हो गए, ये सब पहनना अलाउड नहीं है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, उस फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या आप डायबिटिक हैं या नहीं है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि आप डायबिटिक हैं, तो आप अपने साथ कुछ फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, जैसे कि बनाना, एप्पल और ऑरेंज, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या अलाउड है लेके जाना, तो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, साथ ही एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, और क्या लेके जाना है आपको, तो एडमिट कार्ड, और साथ ही साथ आपको एक मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको आप जिसपे आपको साइन करके उसको लेके जाना है। A4 साइज में आपको प्रिंट आउट निकालना होगा उसका, प्रॉपरली फिल करके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉल पॉइंट पेन, मैंने बता दिया। साथ ही साथ आपको लेके जाना है एडिशनल फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म में अपलोड किया था, वही फोटोग्राफ आपको एक अपने साथ रखना है, जो आपका अटेंडेंस शीट पे पेस्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो आता है हमारा आईडी कार्ड। इसमें स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे आप ले जा सकते हैं। कोई भी एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जो लोग भी फिजिकली डिसेबल्ड है वो लोग अपना एक सर्टिफिकेट भी ले जाए। नेक्स्ट है कि आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कि फॉर्म फिलिंग या कुछ में भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ये है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये ईमेल आईडी है, आप या तो उनको ईमेल कर सकते हैं, या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, और जो भी आपके कंफ्यूजन या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। इसके अलावा इसका जब भी एग्जाम का डेट अगर आपका वैरी करता है गिवन डेट से, या फिर आपका एडमिट कार्ड का जो भी डिटेल्स आता है, वो सारे अपडेट्स हम लोग इस चैनल पे आपके लिए लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर करो और ये एग्जाम दो। बाय।